हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई के सिटी सेंटर मॉल में लगी भीषण आग, निकटवर्ती इमारतों से 3500 लोगों को बाहर निकाला गया। जालौर सिरोही के प्रवासी व्यापारियों की दुकानों को भारी नुकसान। मुंबई के नागपाड़ा में सिटी सेंटर मॉल में लगी भीषण आग में दमकल के 2 कर्मचारी घायल हो गए, जिनको उचित इलाज देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। गुरुवार रात को लगी आग पर काबू पाने के लिए 24 फायर इंजन और 6 पानी के टैंक मौके पर तैनात हैं। आग इतनी विकराल थी कि शुक्रवार दोपहर बाद तक आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही थी। मॉल के पास स्थित एक अन्य इमारत से 3500 लोगों को एहतियात के तौर पर बाहर निकाला गया है। नगर निकाय के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि मुंबई सेंट्रल क्षेत्र में स्थित सिटी सेंटर मॉल में गुरुवार रात 8:53 पर आग लग गई और आग पर काबू पाने की कोशिश में 2 अग्निशमन कर्मी भी घायल हो गए थे। एक अधिकारी ने बताया कि इस मॉल में एक भूमिगत तल के साथ 3 मंजिल है और यहां से करीब 300 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ब्रूहम मुंबई महानगर पालिका BMC ने बताया कि दमकल के 24 इंजन और 16 बड़े टैंकर समेत दमकल की कुल 50 गाड़ियां आग पर काबू पाने में काम में जुटी हुई हैं। इसके अलावा 250 अधिकारी और दमकल कर्मी भी तैनात हैं। आग बुझाने की कोशिश के दौरान एक दमकल कर्मी का दाहिना हाथ मामूली रूप से जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे निकटतम GG हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी हालत स्थिर है और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। आग मॉल की दूसरी मंजिल पर स्थित एक मोबाइल की दुकान में लगी थी। इस मंजिल पर ज्यादातर दुकानें मोबाइल और उससे जुड़ी सामग्री की ही है। BMC ने बताया कि मॉल के पड़ोस में स्थित 55 मंजिल ऑर्चिड एनक्लेव के 3500 लोगों को एहतियात के तौर पर बाहर निकाला गया है। इस आग को शुरुआत में स्तर 1 यानी मामूली श्रेणी में रखा गया था, लेकिन इसे रात 10:45 पर स्तर 3 तक बढ़ा दिया गया और बाद में ये और भयानक होकर देर रात 2:30 पर स्तर 4 तक पहुँच गयी। आग की विकरालता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को आधा दिन बीत जाने के बावजूद आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी थी। बता दें कि इस मार्केट में अधिकांश दुकानें प्रवासी राजस्थानियों की हैं, जो बरसों से यहां कारोबार करते हैं। राजस्थान के जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा समेत पश्चिम राजस्थान के कई गाँव कस्बों में रहने वाले लोगों की इस बाजार में दुकानें, जिनमें लाखों करोड़ों का माल हमेशा रहता है। बाजार में मोबाइल एक्सेसरीज समेत रेडीमेड कपड़ों जूतों के प्रतिष्ठान सर्वाधिक। अग्निकांड में हुए कुल नुकसान का फिलहाल कोई आकलन नहीं हो पाया है। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से नीरज दवे की रिपोर्ट।